मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोयले की आपूर्ति को लेकर कहा कि पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जोधपुर दौरे के दौरान आज विभिन्न विकास कार्यों का जायजा भी लिया। ये हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट लिया आपने, ये चाहे वो बस स्टैंड का हो, चाहे वो पावटा का जो ऐतिहासिक हॉस्पिटल है उस एक्सपेंशन का हो, तो 20-25 साल पहले से ही कल्पना थी तो कृषि भवन खाली नहीं हो रहा था, इस बार खाली करवाया और वो एक्सपेंशन हो जाएगा। तो जो भी शहर के गांव के लोग आते हैं तो चौराहे है इम्पोर्टेंट, पावटा चौराहे है, वहाँ पर एक अच्छा अस्पताल मिल जाएगा। नंबर दो, कभी एक और मेडिकल कॉलेज खोलने की बात आएगी जोधपुर के अंदर, उसके लिए भी हॉस्पिटल काम आ जाएगा। करीब 300 बेड का बन जाएगा, अभी 150 तो है, 150 का है, 150 और बन जाएगा। तो कभी कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट का बना नया मेडिकल कॉलेज तो एक रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल की, वो काम आ जाएगा। तो जो जो काम आदमी लिए गए, मैं समझता हूँ बस स्टैंड का बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, ये ऑडिटोरियम बन रहा 1500 सीट का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, बड़ा ये हमने काफ़ी पैरवी करके आए। हम उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकालेंगे, वो उनके ऊपर है, क्योंकि भारत सरकार से भी हमने क्लियरेंस लिए और जो अटकी हुई क्लियरेंस है उसका मांग करके आए कलम। उम्मीद करते हैं कि कुछ फैसला होगा तो वापस गाड़ी पटरी पर आएंगे।